ब्लॉग आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम मस्त, मैं पवन जोशी पिथौरागढ़ गंगोली हार से। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत फिलहाल अभी शाम के टाइम से कर रहा हूँ और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिलहाल पंजार के जस्ट नीचे पे से और मेरे साथ है मयंक। मैं मयंक जोशी दुगीरागढ़ से। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मार्केट को। हमने कहा घर बैठ के भी क्या करें, बोरिंग हो गई है घर बैठे। या बरखा हुई भतर बैठे फोन चलाई, अब फोन लेकर तुक चलाई है यार दगड़ियों घाम आ रो हमें को खुट लाग रहे हैं। 1 GB नेट खत्म है जाओ कहाँ तू यार कतू कतू बाजी हूँ यार 1 GB नेट खत्म 7-8 GB रात तक है धन्य हो। 1 GB बाद 22 रुपये बाद चार्ज ले बढ़ा ली यार सीधे 22 रुपये बाद मैं गए डाल सीधे BSNL में पोर्ट करते हैं। मैं भी करता हूँ BSNL में पोर्ट अगर यहाँ नेट चलता है तो। पर फिर नेट एक समस्या आ गई वही है ना, अगर एक दो दिन यहाँ पे BSNL में कर लेंगे, अगर BSNL में नेट चलेगा तो फिलहाल हम भी BSNL में सिम को पोर्ट करा देंगे क्योंकि बहुत महंगा रिचार्ज है यार दगड़ियों क्या कहने सकना। 300 वाला करीबन 600 जो हम मैं 666 वाला भरता था 56 दिन के लिए वो अभी है 858 का। हाँ। लगा लो और बहुत महंगे हो गए 22 रुपये है जो 1 GB में। जो फिलहाल दोस्तों आज का मौसम है, जो आज का मौसम है कई तगड़ा वाला मौसम हो रखा है। फिलहाल मौसम के बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता, उससे पहले कहने से पहले आपको मौसम के दर्शन करा देते हैं। दोस्तों आज का मौसम देख सकते हो कुछ इस तरह का मौसम है, अब बिल्कुल हरियाली आती हुई खेतों में और सुंगर ऊपर से खोदता हुआ उनको और धरमुनी में ले हल्का कोहरा वगैरह ले लाग रो तुम देख सकते हो और इला छुपा जाओ बोर और दगाड़ में छुप यार मयंक। और अभी हम पहुँचे हैं केडी बैंड में, यह है हमारा केडी बैंड। केडी बैंड की हालत कुछ अभी ख़राब होती हुई बारिश के कारण, थोड़ा अल्टो वगैरह आने में दिक्कत है और बड़ी का स्पीड सही दी जाए तो एक में फिर चढ़ जाएगी इसमें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आराम से आ जाती है और ऊपर को हमारा पूरा देवदार का जंगल आप लोग देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम पहुंचे केडी बैंड के वहाँ पे, आज का मौसम आप लोगों ने देख ही दिया है और मयंक भाई को आप लोग देख सकते हो स्वच्छ अभियान के तहत रोड में जो घास जमी है उसको साफ करते हुए। ये बारिश हुई ना पवन भाई 5 दिन। अच्छा तो इसके कारण तो ज्यादा ही जमी थी, पहले तो कमी थी। हाँ पूरे रोड में फिर रोडी का नाम ही नहीं रहेगा, पर यही जम जाएगा रास्ता रास्ता दिखेगा, रास्ता भी गूल 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 जैसा दिखेगा। ये आलू उखाड़ना ही है तो भाई साहब ये आलू उखाड़ दो। कौन सा ये चैम्बर में लग जाएगा ये? हाँ ये लग सकता है चैम्बर में बारिश होने के कारण। दगड़ियों बहुत इतनी बारिश हो रही है, एक अंगुली से निकल जा रही है। कोमल है रो सन है रो यार कोमल है रो एक का बखत में उखाड़न में निकल जाऊं ऊंचो ओपे आप चौमीन खान ओपे चौमीना खले और की खा सकते तू कौश ताजा ताल नहीं और हमें दोस्तों तालनाव के वहाँ पे पहले यहाँ पे नौला था जस्ट इस पेड़ इन दोनों पेड़ों के बीच के वहाँ पे, वो नौला फिलहाल बंद हो चुका है। ऊपर से बहुत पहले की बात है यहाँ पे पैर वगैरह आया था तो पैर आने के कारण वो नौल बंद हो गया और फिलहाल दोस्तों आप लोग देख सकते हो सब खेत बांझ है गया यहाँ दगड़िया चौदह अब हरी गाँव में क्यों। अरे बंदरू का वो है ना क्या कहते हैं बंदरू का ज़्यादा हो चुका है आजकल आतंक की संख्या बढ़ चुकी है। लोग बाहरों से ला रहे हैं जैसे कि रंगोली आठ पिथौरागढ़ यहाँ से ला रहे हैं और हमारे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं और आगे बंदर साहब रहे हैं यहाँ बढ़ रहे हैं यहाँ बढ़ रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं एक जगह सफाई कर रहे हैं एक जगह गंदगी कर रहे हैं तो फिलहाल दोस्तों जिसने यहाँ पे नौला देख रखा है कमेंट में एक बार जरूर बता देना और बगल में हमारे पंडित जी का मकान भी आप लोग देख सकते हो, ये रहा गुरु जी का मकान और जल अखोल खान छन फिलहाल पहले ही डिमांड दे देना क्योंकि इस बार अखरोट बहुत कम है, डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आप लोग देख सकते हो। और हमारी नन का टिपनन गुण हमने टिपना फिलहाल गुण अखरोट के पेड़ में जाके अखरोट झड़ाएगा और हम नीचे से जाके बूट लेंगे खाएंगे। अच्छा तो इस बार अखरोटों में अखरोट के पेड़ में जो फल आता है वो फल बहुत कम है क्योंकि जिस टाइम फल लगता था उस टाइम पे हवा वगैरह चली थी तो सब फल वगैरह झड़ गया है तो ना बराबर फल है और डिमांड इतनी हो चुकी है कुछ बता नहीं सकते। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो डिमांड पहले से दे देना और उसमें हम फिर गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अखरोट
दाती है या कांठी है, मतलब हम ऐसा करेंगे कि मिक्स करके आएंगे, करके देंगे। एक दाना दाती होगा तो दो दाने कांठी निकलेंगे, हमें भी फायदा होगा यार। वो आप फोड़ भी नहीं पाओगे, वैसा अखरोट है हमारे वहाँ को थोड़ा बहुत। तो 5 रुपया था, इस बार 6 है, इस साल 6 या 8 कर देंगे, रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि कांठी अखरोट भी बहुत महंगे बिक रहे हैं इस बार यार दगड़ियों। कहाँ अखरोट खानी नहीं मिलना है ना, ये कारण। एक पैकेट 200-300 का मिलता है वो पैक में, उसमें 20 या 15 आते हैं। हाँ तो कितना कमा रहे हैं वो बाजार का, वो भी तो बढ़िया घर का। दांत से फोड़ोगे, दांत से फोड़ने में भी टूट जाता है अखरोट हमारा, या तो दांत ही टूटेगा, या दांत ही टूटेगा या अखरोट ही टूटेगा, दोनों चीज में से एक चीज होता है, एक चीज तो टूटेगा ना। कहीं आम हो रहे हैं तो यार अचार डालने के लिए आम भिजवा दो यार, यहाँ आम मिलने मुश्किल हो गए हैं, कहीं इस बार आम कच्चा आम मिल ही नहीं रहा अचार डालने। मोचा घर होने तक पैक भाग जाओ, और वो खाने लायक भी नहीं हो रखे, क्योंकि पता है खट्टे जान खाप खट्टे जान यार दगड़ियो रत की वो तुम क्या ना कोनी हुई है यार, हालत मतलब बहुत खराब हो जा रही है। उठबेर उठबेर पेड़ में बहुत आम है देख सकते हो, पर ये आम पेड़ में ही पक गया और कोई अचार के लिए तोड़ा है तो, पर वो अचार डालने लायक हो नहीं रहा और ना ये खाने लायक हो रहा है, क्योंकि इसमें है बहुत ज़्यादा खट्टा, इसमें फिर वही चीनी का चीनी पीस के चीनी मिला के खाना पड़ेगा तब जाके ये आम मीठा होगा। आम जूस हो सकता है इसका, आम जूस हो सकता है, सही बात, इसमें चीनी नहीं मिला के बढ़िया होगा ये। और आज यहाँ पे शिफ्ट आती हुई, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी इस खेत में हो रखा है मुडवा और माजिरा, और चचा ने मोहन चचा ने ऐसे टीने ठोक दिए क्योंकि जंगली जानवर खेत में ना जाए करके, और जैसे कोई ग्वाला आते हैं बकरी वगैरह खेत में नहीं जाएंगी करके, चारों तरफ से इस साइड से बराबर करके चचा ने टीन ठोक दिया। आप लोग देख सकते हो क्या मज़ा आ गया है टीन देख के। तो अभी दौड़ दौड़ के फिलहाल पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में घर में, हालत खराब हो गई यार दगड़ियों, छत नहीं ले जा रहा, जस्ट मेरे पीछे पे देख सकते हो पूरी बारिश ही बारिश हो रखी है, तब फटाफट जाना हो रहा है, बगने वाली हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 5:30, अंधेरा इतना हो गया हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं, काली काली रात है, गोरी गोरी सुबह है। तो फिलहाल दगड़ियों कई तगड़ो वाल मौसम है रो, आप तुम देख सकते हो ऊपर खूब अगेली बढ़ते रूण में, जैसे जैसे अपने कदम हम घर की तरफ को रख रहे हैं वैसे वैसे पीछे से हमारे बारिश भी आ रही है। यो यो। तो आप करते हैं वीडियो को यहीं पे इंड, चलो चलो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।